ऑलराइट साजिद में आप एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी है द ब्रांड न्यू बजाज प्लेटिना 110cc ABS वेरिएंट। दैट्स राइट, अभी जो आपको 110cc में ABS मिल जाती है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस मोटरसाइकिल की कॉस्टिंग। इसकी जो कॉस्ट है इट स्टार्ट फ्रॉम 72,000 रुपीज एक्स शोरूम मुंबई। एंड ब्लॉग शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू सूर्य बजाज एंड विनीत सर जिन्होंने जो मुझे आज ये बाइक प्रोवाइड किया आप तक पहुंचाने के लिए। शोरूम की सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो सीधा शुरुआत करते हैं मोटरसाइकिल के फ्रंट लुक से। सो फ्रंट में जो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बल्ब हेडलाइट्स मिल जाती है। यहाँ पे आपको छोटा सा DRL का सेटअप भी मिल जाता है। आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की विंडस्क्रीन मिल जाएगी और टर्न इंडिकेटर्स जो रहेंगे आपको मिलेंगे बल्ब में। साथ ही में आपको मिल जाता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का मडगार्ड मिल जाता है और अभी जो है आपको इस मोटरसाइकिल में ABS भी मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है। और अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो दीज आर 1817 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर्स, जहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं। आपको यूरो ग्रिप की तरफ से ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। ये रहा इसका रिफ्लेक्टर। और अभी आ जाते हैं मोटरसाइकिल के इंजन पे। सो इस मोटरसाइकिल में जो आपको एक 110cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है जिसमें से आपको 80.60 PS ऑफ पावर मिल जाता है एंड 9.81 Nm ऑफ टॉर्क। और इतना ही नहीं, इस मोटरसाइकिल में जो अभी आपको 5 गियर मिल जाती है जिसमें से जो 5वां गियर है उसका नाम है H गियर। और अभी आ जाते हैं मोटरसाइकिल के बैक साइड पे। सो बैक पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फुटरेस्ट मिल जाता है जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है पिलियन के लिए। पीछे भी आपको मिल जाती है ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर्स और यहाँ पे आपको ये साइलेंसर दिख जाता है जो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। 110cc ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। और अभी मैं सुना देता आपको इस मोटरसाइकिल का एग्जॉस्ट नोट। तो जैसे कि आपने सुना भाई 110cc की मोटरसाइकिल है तो आप ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और पीछे जो है पीछे ब्रेक लाइट जो है आपको मिल जाती है बल्ब में। टर्न इंडिकेटर जैसे मैंने आपको बताया था आपको मिलता है बल्ब में ही। और ये बाजू आ जाता है तो यहाँ पे जो है आपको सारी गार मिल जाती है। सारी गार के साथ यहाँ पे आपको एक फुट रेस्ट भी मिलता है तो आप चाहो तो अपना पैर काफ़ी आसानी से यहाँ टिका सकते हो। और पिलियन के लिए और एक दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको ये चेन गार्ड भी मिल जाती है तो आपकी चेन जो काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्टेड रहेगी। बाय द वे मैंने जो आपको पीछे पीछे के टायर का प्रोफाइल नहीं बताया तो पीछे का जो टायर प्रोफाइल है वो है 1817 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर्स। और यहाँ पे आपको ये रिंग भी मिल जाती है बट आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स मिलती है पीछे जैसे आपने देखा। और सीट्स पे आ जाते हैं मोटरसाइकिल की सीट्स पे। तो यहाँ पे जो आपको एक काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स मिलती है जिसमें जो है दो जन आसानी से बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको कम्फर्ट टेक की ब्रांडिंग भी मिल जाती है और ग्रैब बार जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। साथ ही में आपको यहाँ पे आपको मेन स्टैंड के साथ साथ साइड स्टैंड मिलता है जिसमें आपको कट ऑफ फीचर भी मिल जाता है। और अभी आ जाते हैं मोटरसाइकिल की टैंक पे और इसके हैंडल बार्स पे। तो यहाँ पे जो है आपको 10.5 लीटर्स की टैंक मिलती है जिसमें से आपको ऑलमोस्ट 60 to 65 की माइलेज भी मिल जाएगी। ये है ब्लैक वेरियंट जिसमें आपको और भी कलर्स मिल जाते हैं। और अभी आ जाते हैं मोटरसाइकिल के हैंडल बार्स पे। तो हैंडल बार्स पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बेसिक सा हैंडल बार यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाती है हाई बीम लो बीम टर्न इंडिकेटर्स और यहाँ पे आपको मिल जाता है हॉर्न। और ये बाजू आपको बल्ब की स्विच और यहाँ पे आपको पावर का बटन भी मिल जाता है। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डिस्प्ले। सो अभी जो है यहाँ पे आपको एनालॉग के साथ साथ एक छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले भी मिलता है जिसमें आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर मिल जाते हैं। तो ये रही आपकी स्पीड, ये रहा गियर पोजिशन इंडिकेटर, ये रहा आपका ऑडोमीटर, ये रहा टाइम एंड बाकी सारे की सारी चीज़ें जो आप यहाँ से भी टॉगल कर सकते हो। सो ये था एक छोटा सा वॉक अराउंड ऑन द ब्रांड न्यू बजाज प्लेटिना 110 ABS वेरिएंट। अभी मैं काम करता हूँ, मैं घुसता हूँ अपने मोटर ब्लॉक के सेटअप में एंड लेट्स सी ये बाइक चलने में है कैसी। लेट्स डू दिस। सो मैं आ चुका हूँ अपने मोटर ब्लॉक के सेटअप में और ये रही बाइक की चाबी। हैशटैग खुशियों की चाबी इन द चैट। बाय द वे इसकी चाबी जो है इसका शेप आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। ओके, तुरंत बैठेंगे बाइक पे। सबसे पहले बाइक को कर लेते हैं ऑन, थोड़ा सा वार्म अप होने देते। थोड़ी सी सर्दी भी हो रखी है तो शायद मेरे आवाज़ में आपको हल्का सा नॉइज लगेगा। चलो इसको चलाते। लेट्स डू दिस। बाय द वे मेरी जो हाइट है वो 5'10", मेरे दोनों पाँव नीचे टिकते हैं। इस मोटरसाइकिल के लिए आपको ना ज़्यादा हाइट लगेगी, 5'6" 5'7" है फिर भी मैनेज हो जाएगा। और बाय द वे इसकी जो गियर पोजीशन सिस्टम है इट इज़ ऑल अप एंड ऑल डाउन, मतलब पहला जो गियर है वो है न्यूट्रल और बाकी सब नीचे नीचे। नॉट बैड, 110 cc के हिसाब से पिकअप बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है यार, मज़ा आया।
राइट, तो सबसे पहले बात करेंगे मोटरसाइकिल के कंफर्ट की। सो दिस इज़ अ प्योर कंफर्टेबल मोटरसाइकिल एंड अ लाइट वेट मोटरसाइकिल। मतलब ऐसा आपको लगेगा कि आप ना किसी कुर्सी में बैठो, एकदम बोलते हैं ना कंफर्टेबल कुर्सी में बैठो, वैसी वाली पोजीशन है। फुट पैग जो है वो फ्रंट में है, इसके जो हैंडल बार्स है काफ़ी अपराइट और आपके तरफ आता है, और इसकी जो सीट्स है इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। आपकी खुद की सीट जो आसानी से इसमें बैठ जाती है, जैसे कि मैं अभी बैठा हुआ हूँ। टैंक जो है वो आपको पतली लग सकती है, बट ये मोटरसाइकिल में, सब मोटरसाइकिल में आपको बड़ी टैंक नहीं मिलती। गैस द जॉब डन, कंफर्टेबल है। सो यस, कंफर्ट को मैं दे दूंगा यहाँ पे 10/10। आप इस पर आसानी से रोज़ के रोज़ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से यहाँ, यहाँ से वहाँ, जो भी आप करते हो आप कर सकते हो। और अभी आ जाते हैं मोटरसाइकिल के इंजन पे। भाई ये जो 110 सीसी का इंजन है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट काफ़ी ज़्यादा एक पंची इंजन है यार। मतलब पिकअप, पिकअप जो आपको कमाल का यहाँ पे मिलता है, काफ़ी ज़्यादा कड़क। मतलब मुझे मज़ा आया यार, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 110 सीसी का इतना ज़्यादा पंची इंजन होगा। और रिफाइनमेंट लेवल्स आर ऑन पॉइंट। और अगर मैं वाइब्रेशन की बात करूँ तो आपको थोड़े बहुत फुट पैक्स पे लगते, बाकी ओवर इतने कुछ खास वाइब्रेशन है नहीं। और टायर्स जो है काफ़ी मजबूत सब ग्रिप प्रोवाइड कर रहे हैं यार, मज़ा। दैट इज़ अ फन मोटरसाइकिल टू राइड, मज़ा आती है। और इसका ना एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब आप जो भी आरपीएम पे, कोई भी स्पीड पे चला लो, आप जो है हाई गियर पे भी चला सकते हो। अभी जैसे कि मैं जो फोर्थ गियर में हूँ, ठीक है, और मेरी बाइक हार्डली 10-20 की स्पीड पे आप देख सकते हो, कोई स्टॉलिंग नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बाइक जा रही है मजबूत। और अगर मैं इसको एज गियर में डालता हूँ ना, तो बाइक जो है और भी स्मूथ बन जाती है। वो मैं आपको भी डाल के दिखा देता हूँ, ये देखिए ये एज गियर। और यहाँ पर ना 5 लिखा हुआ नहीं आता, यहाँ पर एच लिखा हुआ आता है, थोड़ा सा यूनिक लगता है। ये देखिए अब मस्त ऐसे आसानी से ग्लाइड करके जा सकते हो। हैंडलिंग जो इस मोटरसाइकिल का इज़ वेरी 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 लाइट, कोई भी इसको हैंडल कर सकता है। मतलब आपको ना ये स्ट्रेस फ्री मोटरसाइकिल लगती है, स्ट्रेस फ्री। आपको यहाँ पे विंडबस ज़रूर से लगती है, इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रेस फ्री मोटरसाइकिल। और हैंडलिंग आप देख ही सकते हो मस्त एकदम, मैं इसको स्विंग कर रहा हूँ, स्विंग हो रही है। मुझे लगा था इसको हैंडल से हैंडल बार से हैंडल करना पड़ेगा, बट नहीं, ये स्विंग बहुत अच्छे से हो रही है यार। ये मज़ा आ गया इसको चलाने में। सस्पेंशन में बोल सकता हूँ पीछे वाले जो है आर ऑन द हार्डर साइड, फ्रंट वाले जो है आर ऑन द मीडियम साइड, दे आर नॉट एट ऑल सॉफ्ट, हार्ड पे है। और इसकी गियर स्विच भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है यार। और अभी आ जाते हैं मोटरसाइकिल की ब्रेक्स पे। यहाँ पे आपको ABS मिलते हैं, यहाँ पे मैं इसका टेस्ट करूँगा। ABS मैंने ज़ोर से अप्लाई करूँगा। यस, जैसे कि आपने देखा बाइक जो है बंद पड़ गई, बट इट्स ओके, ABS काम कर रहा है। और इसका स्टार्टअप भी जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, 1 क्लिक स्टार्टअप यहाँ पे आपको मिल जाता है। और अगर मैं इसकी गियर शिफ्टिंग की बात करूँ तो मैं आपको ना थोड़ा सा इसमें बोला यूज होना पड़ता है, बिकॉज यूजली हमको क्या है ना 1 down 5 up या 6 अब जो भी है उस पर अपना हमारा जो है पैर बैठा हुआ रहता है, बट यहाँ पे आपको ऑल डाउन करना है। और स्पेशली इसकी जो डाउन शिफ्ट है इट इज़ वन ऑफ द स्मूथेस्ट डाउन शिफ्ट। मतलब ये नीचे पैर करने को, मारने को जो मज़ा आता है ना कि आपके गियर चेंज होता है, आपको ना ही ऐसा हिल, मतलब यूजली क्या होता है ना हम पैर नीचे लेके फिर सुपर मारते, वो सब झंझट मारे, बस नीचे मारते रहो। और अगर आपको गियर ऊपर लेना है, मतलब फर्स्ट गियर में डालना है, तो आपको पीछे भी एक लीवर मिलता है, तो आप उसको पीछे भी मार सकते हो। मतलब आपको आपके पैरों को ना बिल्कुल भी यहाँ पे वो बोलते हैं ना प्रॉब्लम नहीं होती। आई लाइक दिस। और अभी मैं एज गियर में चला रहा हूँ, मेरी बाइक मुश्किल से 10-20 की स्पीड पे रहेगी, फिर भी चल रही है यार। इसकी ब्रेक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये देखा, आपको यहाँ पे नोज डाइव भी मिलती है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग ब्रेक्स। ओके, अभी मैं आ चुका हूँ इसको जहाँ पे चलाना चाहिए, वो है सिटी राइडिंग। मैं इट इज़ पीस ऑफ केक, मतलब यहाँ पे कोई, मतलब इस मोटरसाइकिल को कोई भी चला सकता है यार। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, मीडियम तरीके का ट्रैफिक है यहाँ पे, बट मेरी बाइक जो मैनेज हो रही है, स्पीड ब्रेकर वगैरह पे से जो है बाइक आसानी से चली जाती है, स्क्रेप वगैरह नहीं होती, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा है। और हीटिंग इतना तो कुछ खास है नहीं, मेरे पैरों पर इतना कुछ खास हीट नहीं लग रहा है। ओके, सो आई फील मैंने सब कुछ कवर कर लिया है ऑन द बजाज प्लैटिना 110 ABS। फाइनल वर्डिंग, भाई अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें ABS आ चुका हो, गियर पोजीशन इंडिकेटर आ चुका हो, डिजिटल मीटर आ चुका हो, वाह, मतलब ये सेगमेंट में फर्स्ट इन सेगमेंट है। और इसका जो वर्डिंग बनता है वो यही है कि अगर आप अपनी बाइक को चाहते हो कि आपकी बाइक फर्स्ट इन सेगमेंट में ये सारे फीचर्स हो, आपको डेली राइड करनी है, आपको पॉकेट फ्रेंडली मोटरसाइकिल चाहिए, ज़्यादा माइलेज चाहिए, सो दिस इज़ द बाइक फॉर यू विथ ऑल द फीचर्स इन द वर्ल्ड। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, थैंक यू सो मच। ए भाई क्या बोलने का, ना हेलमेट ना कुछ, बस चलो, नो वरीज, बाय बाय गाइस।